द न्यूज ऑफ गांधी इज एडवेंट एडवेंट मतलब अराइवल गांधी के आने की खबर एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन और उनके आने का उद्देश्य नेचर मतलब उद्देश्य प्रकृति गांधी के आने की खबर एडवेंट मैंने आना घटना का समय एट द एडवेंट ऑफ दिस डेट आई विल राइव एडवेंट मतलब घटना के दिन घटना का समय सो so, गांधी के आने की जानकारी और किस लिए आए हैं इसकी जानकारी लोगों में बड़ी तेजी से फैल गई स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर पूरे मुजफ्फरपुर में आग की तरफ फैल गई स्प्रेड क्विकली इसे हिंदी में क्या कहेंगे फैल गई कैसे फैल गई हिंदी में मुहावरा आग की तरफ फैल गई तो so गांधी के आने की खबर और गांधी के आने के उद्देश्य की जानकारी पूरे मुजफ्फरपुर में आग की तरफ फैल गई और चंपारण भी लोग जान गए चंपारण तक लोगों को खबर लग गई कि गांधी चंपारण आ रहे हैं शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फूड एंड बाय कन्वे कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन चैंपियन मतलब विजेता होता है और चैम्पियन मतलब ग्रेट सपोर्टर आई एम द चैंपियन ऑफ विमेंस अपलिफ्टमेंट महिलाओं के उद्धार का मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ चैम्पियन मतलब किसी चीज़ के पक्ष में खड़े होने वाला बहुत मजबूती से खड़े होने वाले को चैम्पियन बोलते हैं तो so, चंपारण से जब ये हवा उड़ी जब लोगों को खबर मिली कि गांधी जी मुजफ्फरपुर आए हैं और चंपारण आएंगे और किस लिए आएंगे तो चंपारण से बहुत से किसान जिसे शेयर क्रॉपर यहाँ कहा गया है वो किसान पैदल और विभिन्न गाड़ियों में चाहे बैलगाड़ी हो चाहे ट्रेन गाड़ी हो अलग अलग जरिए से मुजफ्फरपुर पहुँच गए किस लिए अपने इस नेता को अपने इस चैम्पियन को सपोर्ट करने के लिए देखने के लिए टू सी देयर चैंपियन कौन है वो आदमी जो चंपारण आ रहा है जरा देखें तो किसमें इतनी हिम्मत हुई जो अंग्रेजों को चैलेंज करने के लिए चंपारण आ रहा इतनी ताकत किसमें है और ये सारे किसान तो वैसे ही बड़े परेशान थे अंग्रेजों से क्योंकि अंग्रेजों की जो पुरानी जो खेती की पद्धति थी जो नियम थे उसके तहत शेयर क्रॉपर को बड़ा न्याय लग रहा था दे केम ऑन फूट ऑन फूट मतलब पैदल एंड बाय कन्वेंस कन्वेंस मतलब ट्रांसपोर्ट का जरिया मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे वकील थे टू कॉल ऑन मतलब किसी को विजिट करना टू विजिट समबडडी आई कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को विजिट किया आई कॉल्ड ऑन हिम आई कॉल्ड ऑन द कलेक्टर सो टू कॉल ऑन कॉल मतलब कॉल ऑन मतलब किसी के पास जाना याद रखिए देखिए कितना अंतर हो जाता इन जुड़ने से जाना हो गया ही कॉल्ड ऑन मी फिर वह मेरे पास आया मेरे पास गया सो so हियर All these people, farmers started coming from Champaran. Advocates, lawyers also visited him, briefed him. To brief करना मतलब संक्षिप्त में समझाना। Lawyers लोगों ने संक्षिप्त में अपनी समस्याएं समझाईं, साथ ही राजनीति की अन्य बातें भी की। They frequently represented peasant group in the court. Frequently मतलब जब तब। यही वो वकील थे जो जब तब इन किसानों के केस को कोर्ट में किसानों के लिए कोर्ट में लड़ते थे किसानों के मामले के लिए कोर्ट में हाजिर होते थे टू रिप्रेजेंट मतलब की एवज में उपस्थित होना तो किसानों की एवज में ये लोग कोर्ट में उपस्थित होते थे ये वही वकील थे तो दे रिप्रेजेंटेड फ्रीक्वेंटली पेजेंट ग्रुप्स इन द कोर्ट फार्मर्स अकेले नहीं लड़ सकता था केस तो ऐसे कई फार्मर्स जिनका केस एक जैसा है वो लोग इकट्ठे हो जाते थे एक दो वकील हायर करते थे और इन किसानों के पक्ष में ये वकील लोग कोर्ट में केस लड़ते थे और उसकी बड़ी मोटी फीस लेते थे फीस बहुत ज़्यादा थी दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस इन वकीलों ने किसानों से संबंधित जो केस इनके पास आए हैं उसके बारे में गांधी को बताया एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस और अपनी फीस भी बताई कि एक ग्रुप आता है तो उसका ये यदि केस है तो उसकी हम फीस ये लेते हैं गांधी ने वो फीस बहुत मोटी पाई गांधी थॉट दैट दिस फीस इज टू मच पर्टिकुलरली व्हेन द फीस वाज बीइंग टेकन फ्रॉम फार्मर्स एंड फ्रॉम दोज फार्मर्स हु फील दैट दे आर सफरिंग इन जस्टिस वो फार्मर्स जो अन्याय और गरीबी से वैसे जूझ रहे थे उनसे ये वकील लोग मोटा पैसा ले रहे थे कोर्ट में केस लड़ने का पर गांधी ने उनको बताया नहीं क्या इसका क्या करेंगे बस उनसे पूछा फीस कितनी लेते हैं आप केस किस तरह के लड़ते हैं किस तरह के किसानों के मामले आपके पास आते हैं कोर्ट में उसका क्या परिणाम होता है आदि आदि और ऐसा कहते करते हुए गांधी ने किसानों की समस्याओं को बहुत गहराई तक समझने की कोशिश की गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम शेयर क्रॉपर चाइड करना मतलब लताड़ना ही चाइडेड मी गांधी ने लताड़ा इन वकीलों को गांधी चाइडेड द लॉयर्स इन वकीलों को लताड़ा फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर स्वाभाविक था गांधी को खराब लगा कि वैसे ही किसान गरीब हैं दरिद्र हैं ऊपर से इनके साथ वैसे ही अन्याय हो रहा है बहुत और ऊपर से आप इनकी फीस ले रहे हो वो भी बड़ी मोटी रकम सो ही चाइडेड दम उनको लताड़ा धिकारा एंड सेव कम टू कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट अब मैं इस निर्णय पर आया हूं आई हैव कम टू द कंक्लूजन टू कंक्लूजन मतलब निर्णय टू कंक्लूड मतलब निर्णय लेना निर्णय करना टू कंक्लूड मतलब समाप्त करना द प्रोग्राम इज कंक्लूडेड नाउ महा समाप्त होना एंड आई कंक्लूड दैट यू आर करेक्ट मुझे लगता है इस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं कि तुम सही बोल रहे हो सो गांधी कंक्लूडेड we शुड स्टॉप गोइंग टू द court. हमें कोर्ट नहीं जाना चाहिए अर्थात वकीलों को अनुरोध किया कि इनके मामले कोर्ट मत ले जाओ किसानों से अनुरोध किया कि वकीलों के माध्यम से तुम्हारा निराकरण नहीं होगा इसलिए इनके पास अपने केस लेके मत आओ कोर्ट जाने के लिए मत आओ सो आई द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज नॉट डू एनी गुड ऐसे मामले कोर्ट में ले जाने से कोई अच्छा किसी का नहीं होगा किसी की भलाई नहीं होगी ही डज लिटिल गुड किसी की भी भलाई नहीं होगी कोर्ट जाओगे केस लड़ते रहोगे न्याय की प्रतीक्षा करते रहोगे किसान लोग पैसा देते रहेंगे और वकील लोग पैसा चूसते रहेंगे भलाई किसी की नहीं हो रही हम द प्रेजेंट्स आर सो क्रस्ट एंड फियर स्ट्रिकन टू स्ट्राइक मतलब क्या होता मारना फियर से जिनको मार दिया गया है डर जिनके शरीर में बैठ गया है दिमाग में बैठ गया है अंदर घुस गया है जिनके मन में डर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ अंग्रेजी ऑफिशियल डम के खिलाफ और वेयर द प्रेजेंट आर सो क्रश जहां उसे कुचल दिया गया है जहां किसानों को इतना कुचल दिया गया क्रश कर देना मतलब दबा देना कुचल देना क्रश द आइस द कर... आइस आइस को क्रश करो जहाँ उन्हें क्रश कर दिया गया है जहाँ वो इतने घबराए हुए हैं फेयर स्ट्रिकन फेयर स्ट्रिकन घबराए हुए हैं लॉ कोर्ट आर यूजलेस ऐसे मामले में ऐसी जगह में लॉ कोर्ट जो हैं वो यूजलेस हैं कोई इसका अर्थ नहीं है बेकार है बेकाम है गैर उपयोगी हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर उनके लिए तो वास्तविक राहत तब होगी जब वो भय से मुक्त हो जाएं। द रियल रिलीफ विल बी फ्रीडम फ्रॉम फियर अर्थात जो इतने गए उनको घबराहट से निकालने की जरूरत है तब उनको राहत मिलेगी कोर्ट जाने से नहीं मिलने वाली राहत ये गांधी की सोच थी और इसीलिए कोर्ट मत जाओ कोर्ट के मामले मत लाओ वकीलों को कहा कोर्ट के, के केस मत ले जाओ किसानों के किसानों से कहा आप लोग वकीलों के पास मत जाओ क्योंकि गांधी का विश्वास था सबसे पहले मन से जो डर है उसको हटाओ रिमूव द फियर फ्रॉम विद इन अपने अंदर जो डर है उसे हटाओ गांधी जी को ये पूरा विश्वास था कि डर जो है उससे मुक्ति पाना सबसे पहले जरूरी है सबसे अहम है कोर्ट यहां वहां के चक्कर कोई मतलब नहीं फ्रीडम फ्रॉम फ़ियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ फ़ियर फ्रॉम व्हाट फ़ियर फ्रॉम व्हाट किस चीज का भय से मुक्ति भय तो कई तरीके की, की होती है भगवान का भय होता है बड़ों का भय थोड़ा रहता है जो स्कूल के शिक्षक और प्राचार्यों से भय रहता है क्या उस मुक्ति की बात कर रहे थे नहीं गांधी किसी और तरीके के भय की बात कर रहे थे लर्न अबाउट इट लेटर बट वट ही सेड वॉज दैट द बेस्ट वे टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम इज यू मस्ट फ्री योर सेल्फ फ्रॉम फियर आपकी समस्याओं का सबसे समस्याओं के निराकरण का सबसे सही तरीका है भय मुक्त हो मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड अरेबल मतलब खेती करने वाला जहां खेती होती उपजाऊ बैरन मतलब अन उपजाऊ तो अरेबल लैंड जहां पर खेती हो सकती थी चंपारण जिले में यो दो तरीके की थी एक तो पहला बड़ी बड़ी भूमि बड़ा बड़ा भूमि क्षेत्र लार्ज एस्टेट ई एस टी ए टी एस्टेट मतलब बहुत बड़े प्लॉट्स बहुत बड़ी भूमि क्षेत्र ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एक तो जमीन ऐसी थी जो अंग्रेजों के द्वारा जो अंग्रेज जिसके मालिक थे और वो जमीनें बहुत बड़ी थी और दूसरी जमीन वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स। दूसरी ऐसी जमीन जिसमें अंग्रेज लोग टेनेंट के नाते किराएदार के नाते काम कर रहे थे इस प्रकार दो ही तरीके की जमीन थी बड़ी और छोटी बड़ी जमीन है अंग्रेजों के हाथ टेनेंट वेयर इंडियंस एंड देर वर्किंग ऑन स्मॉल तो दे वेर ओनर्स एंड दे वेर टेन या तो मालिक थे और या किराएदार थे मालिक अंग्रेज किराएदार भारतीय भारत में भारतीयों की ये हालत लुई फिशर यही सबको बताना चाह रहा है कि भारतीयों की स्थिति भारत के अपने ही देश में क्या थी कितनी समस्याएं थी सामाजिक समस्याएं आर्थिक समस्याएं राजनीतिक समस्याएं द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो कमर्शियल क्रॉप क्या कहते है? किसे कहते हैं ऐसी फसल जिसमें व्यापार होता हो सब्जियों में व्यापार नहीं होता वो कमर्शियल क्रॉप नहीं कहलाती है. वो तो वेजिटेबल्स कमर्शियल क्रॉप मतलब जिसमें बिजनेस होता हो इंडिगो जो है वो ऐसे ही कमर्शियल क्रॉप था जिसमें व्यापार होता था बहुत महंगी दाम मिलते थे बहुत महंगी कीमत रहती थी बहुत महंगे रहते थे कीमती रहते थे तो वहां पर वहां का मुख्य क्रॉप क्या था चंपारण का इंडिगो चीफ मतलब मुख्य नील की खेती वहां का मुख्य थी। खेती में सबसे ज्यादा नील की खेती होती थी लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल टेनेंट टू ऑफ़ ऑफ़ इंडिगो। जो लैंडलॉर्ड थे जमींदार जो थे जमींदार लोग किसानों के लिए ये कंपल्सरी कर दिए थे टू कंपेल मतलब मजबूर करना डोंट कंपेल मी टू रन अवे फ्रॉम यू मुझे भागने के लिए मजबूर मत करो डोंट कंपेल मी टू स्पीक आउट द ट्रूथ मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो मैं चुप हूं नहीं तो तुम सच बोलने पर मजबूर कर रहे हो डोंट कंपेल मी आई वॉज कंपेल्ड टू टेल द ट्रूथ सच बोलने के लिए मैं मजबूर हुआ राइट सो हियर ड जो थे दे कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट थ्री ट्वेंटी और फिफ्टीन परसेंट ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट यहाँ लुई फिशर बता रहे हैं कि जो किसान थे उन्हें मजबूर किया गया था कि पंद्रह परसेंट जो जमीन है उसमें इंडिगो की खेती करोगे आपको जितनी भी जमीन है उसमें इंडिगो की खेती करोगे नील की खेती करोगे उसके कितने हिस्से में पंद्रह परसेंट हिस्से में और या तीन बटा बीस हिस्से में इतने में क्या करोगे केवल इंडिगो की खेती ये मजबूरी एक और दूसरी मजबूरी थी कि ये जो फसल होगी वो आप हमको किराए के रूप में दे दोगे टेनेंट फार्मर्स मतलब किराए वाले किराए में किसान थे जमींदार लोग तो खुद खेती करते नहीं थे ज़मींदार लोग जमीन को टुकड़ों टुकड़ों में किसान को किराए में देते थे और उम्मीद करते थे कि हमको हर साल किराया दोगे और किराया भी कैसा तय था कि भाई आपको जितनी ज़मीन दी गई उसके पंद्रह प्रतिशत हिस्से में आप केवल इंडिगो लगाओगे और इंडिगो की फसल की जो भी आय है या पूरी फसल है वो हमको दे दोगे ये किराया हो गया फिर इसको बेचकर जो बहुत महंगी थी इंडिगो की कीमत बहुत ज्यादा थी उसको जमींदार लोग बेचते थे और उस कमाई के बल पर ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे लेकिन किसान का क्या होता था एक तो इंडिगो की खेती की मेहनत और कमाई जमींदार की दूसरा खेती खुद कर रहा है एक तो किराए पे कर रहा है उसमें भी पंद्रह प्रतिशत हिस्सा इंडिगो में करने की मजबूरी तो बेचारा किसान मारा जा रहा था सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट सरेंडर करना मतलब आप जानते हैं दे देना एज रेंट दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और ये जो था ये जो पद्धति थी इंडिगो को किराए में इंडिगो के उपज को किराए के जरिए लेना ये बहुत पुरानी पद्धति थी लॉन्ग टर्म और बड़े लंबे समय से बड़ा लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता था ये हर साल का नहीं होता था समझौता पहले से लिखित में समझौता हो जाता था कि आप इतनी फसल उगाओगे उसमें इतना हिस्से में इंडिगो इंडिगो को हमको वर्ष के अंत में किराए के रूप में दे दोगे ऐसा बाकायदा लिखित कॉन्ट्रैक्ट होता था प्रेजेंटली द लैंड लर्न लॉन्ड द जर्नी है डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल नकली इंडिगो बनाने की कला उन्होंने हासिल कर ली थी कुछ ने जर्मनी ने जर्म प्रेजेंटली द लैंड लर्न अब लुई फिशर कह रहे हैं अब जमींदारों को मालूम हुआ अब मतलब कब 1916-17 सो में कि जर्मनी में आर्टिफिशियल तरीके से कृत्रिम रूप से इंडिगो बनाया जाने लगा कृत्रिम रूप उपज नहीं अब आर्टिफिशियल तरीके से आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम तो कृत्रिम रूप से जर्मनी में अब इंडिगो बनने लगा है दे देर अपॉन ऑपटेंड एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स परिणाम क्या हुआ कि अब कृत्रिम इंडिगो की बिक्री बढ़ गई बहुत ज्यादा तो लैंड लॉर्ड ने क्या किया भारत में उन्होंने किसानों के साथ नए एग्रीमेंट बनाए दे ऑपटेंड फ्रेश एग्रीमेंट फ्रॉम शेयर क्रॉपर टू पे दम कॉम्पेंशन फॉर बींग रिलीज फ्रॉम द फिफ्टीन परसेंट अरेन्जमेंट कि ठीक है अब से तुमको ये पंद्रह परसेंट इंडिगो का जो बंधन है पैदा करने का वो हम हटा देते हैं लेकिन इसका पूरा किराया पंद्रह परसेंट का देना पड़ेगा तभी तुमको छोड़ो कि आप लोग टू रिलीज मतलब छोड़ना दे आर अपॉन परिणाम स्वरूप दे दे आर अपॉन वे लोग परिणाम स्वरूप वे मतलब कौन लैंडलॉर्ड दे ऑप्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम फार्मर्स कॉम्पेंसेशन मतलब क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति के रूप में उन्होंने किसानों से एक एग्रीमेंट कराया और उसमें कहा कि पंद्रह परसेंट का जो बंधन है उससे मुक्त कर दिया लेकिन उसके बदले आप हमें कुछ क्षतिपूर्ति दोगे दिस वॉज न्यू एग्रीमेंट नाउ और ऐसा क्यों हुआ क्योंकि अब इंडिगो की फसल की जरूरत अब कम हो गई क्यों क्योंकि जर्मनी में कृत्रिम इंडिगो आने लगा जो सस्ता भी था मजबूत भी था और पूरी दुनिया में उसकी मांग बढ़ गई तो उपज वाली जो इंडिगो थी उसकी मांग कम हो गई गिरती मांग के परिणामस्वरूप इस कमर्शियल क्रॉप की कीमत भी गिरने लगी इसके बायर्स कम हो गए, तो लैंड लॉर्ड लोगों को लगा क्या किया जाए पहले इतनी फसल की इतनी जमीन का इतना किराया मिल जाता था बेचने पर इंडिगो को अब नहीं मिल रहा है तो उन्होंने मजबूर किया इन किसानों को नया एग्रीमेंट बनाने के लिए यानी जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट थे उसको रद्द किया और उसके बदले नया एग्रीमेंट बनवाया जिसमें कहा कि भाई आप हमको क्षतिपूर्ति के रूप में हमें इतना पैसा दोगे हर साल और ये जो पंद्रह परसेंट जमीन में जो इंडिगो उबाने का बंधन था उससे अब आप मुक्त हो रिलीज होगा वो जो चंपारण में जो अरेंजमेंट था शेयर क्रॉपिंग का अर्थात बंटवारे का जो फसल थी उसके बंटवारे का वो बड़ा अर्क सम था द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अर्क टू द प्रेजेंट टू द पेजेंट्स अर्क सम मतलब uh, परेशान करने वाला अर्क सम डोंट अर्क मी सी द स्पेलिंग आई आर के बट द प्रोनौंसिएशन इज अर्क इट परेशान करने वाला था एंड मैन साइन विलिंगली और कुछ लोगों ने साइन भी कर दिया था बहुत से लोगों ने उसमें दस्खत भी कर दिए थे जो अरेंजमेंट था उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था देसो दोज हुटेड एंगेज लॉयर्स लेकिन जिन्होंने इस अर्कसम क्रॉपिंग अरेंजमेंट का विरोध किया प्रतिरोध किया उन्होंने वकील हायर किए वकील लिए एंगेज लॉयर्स किराए पर लेना क्योंकि वो विरोध कर रहे थे द लैंड लॉर्ड हायर एक और जहां विरोध करने वाले किसान वकीलों की सेवाएं ले रहे थे पैसा देकर इस कॉन्ट्रैक्ट के प्रतिरोध में वहीं दूसरी ओर जो लैंड थे जमींदार थे उन्होंने ठगों को ले लिया ठग मतलब उनके गुंडे उनके बदमाश जो दबाव डालेंगे किसानों पर उस पर दस्तखत करने के लिए जो दबाव डालेंगे किसानों पर शेयर क्रॉपिंग पर सहमति देने के लिए अरेंजमेंट पर आदि आदि सो तो लैंड ठग्स को ले रहे थे देखिए टी एच यू जी ठग ठग हिंदी शब्द है लेकिन अंग्रेजी में अब पूरी तरह से वैसा ही ले लिया गया है तो इस प्रकार ये अंग्रेजी शब्द भी बन गया है एक हिंदी शब्द अंग्रेजी शब्द बना एंड दैट इज द रीजन वाई इंग्लिश इज सो रिच बिकॉज इट हैज एक्सेप्टेड फ्यू वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस एनरिच्ड इट्स एंड दैट इज द रीजन वी से इंग्लिश इज ए लाइव लैंग्वेज अंग्रेजी जो है वो जीवंत भाषा है जो समय के साथ नए नए शब्दों को लेती रहती है दूसरी भाषाओं के और अपनी भाषा में उसे का हिस्सा बनाती है इट्स लाइव लैंग्वेज जीवंत भाषा सो हियर इज द दर्ड मीन वाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच दीन वाइल मतलब इस बीच सिंथेटिक मतलब मैंने आपको बताया था कृत्रिम कृत्रिम नील के निर्माण का जो निर्माण की जो खबर थी जो सूचना थी जानकारी थी वो ये अशिक्षित किसानों तक पहुंच गई वही नील की खेती वही नील कृत्रिम नील जो का उत्पादन जर्मनी में शुरू हो गया था इसकी जानकारी अभी किसानों तक पहुंच गई यद्यपि ये अशिक्षित थे पर चूंकि ये लोग भी नील की खेती करते थे नील के बारे में जो नई चीज हुई थी नया आविष्कार हुआ था कृत्रिम नील के उत्पादन को लेकर उसकी जानकारी इन तक पहुंच गई जिन्होंने दस्खत किए थे एंड दे वांटेड देयर मनी बैक और अब ये लोग अपना पैसा मांग रहे थे क्यों क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इन्हें पैसा देना था अब जब कृत्रिम नील आ गया तो कौन खरीदेगा इनके नील को उसके ग्राहक कम होंगे ये जो कमर्शियल क्रॉप थी व्यावसायिक क्रॉप थी व्यावसायिक फसल थी अब उसका उसकी उपादेयता उस हद तक कम हो गई थी तो इसलिए किसान लोग कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने के बाद भी जब उन्हें मालूम हुआ कि कृत्रिम नील का उत्पादन शुरू हो गया है कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाकर उन्होंने जमींदारों से अपना पैसा मांगना शुरू किया तो इस प्रकार किसी न किसी कारण से अधिकतर किसान अब इस प्रथा के शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट के विरोध में खड़े थे एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण इस दौरान इस क्षण गांधी चंपारण पहुंचते हैं अभी तो मुजफ्फरपुर में थे सब लोगों से जानकारियां एकत्रित कर रहे थे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे अब वो चंपारण पहुंचते हैं ही विज्ञान बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स विज्ञान शुरुआत की उन्होंने अपनी शुरुआत चंपारण के निवास की चंपारण में रहने की शुरुआत उन्हें उन्होंने सच्चाई जानने से शुरू की पता लगाने की शुरू की कि पता लगाने की कोशिश की सच्चाई क्या है अर्थात समस्या की गहराई पर जाने की कोशिश फॉर विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड एसोसिएशन ब्रिटिश जमींदार एसोसिएशन एक बना हुआ था जो बहुत ताकतवर संस्था थी जिसमें जमींदार लोग थे और अंग्रेजों का वरद हस्त था उसके सचिव से जाके मिले सबसे पहले ताकि उनका पक्ष तो जाने जमींदारों का पक्ष तो जाने कि उनका क्या कहना है इस मामले में किसानों के विरोध को लेकर उनका क्या कहना है उनकी क्या प्रतिक्रिया है और कैसी प्रतिक्रिया और क्यों है ये किसानों का असंतोष क्यों है इसकी जानकारी वो पहले जमींदारों से लेना चाहते थे उनकी क्या सोच है द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कु नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर सचिव ने कहा गांधी महोदय किसी बाहरी व्यक्ति को हम इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दे सकते ऐसा कहके उसने अपने हाथ झाड़ लिए सोचिए इसका मतलब क्या हुआ जब आप कुछ गलत करते हैं तभी ऐसे जवाब देते हैं वेन यू डू समथिंग रॉन्ग यू गिव ए राउंड अबाउट आंसर That I cannot give you information because uh, you are an outsider. Very funny answer. So Gandhi was given this answer कि आप बाहर के हैं, बाहरी व्यक्ति हैं, इसलिए हम आपको जानकारी नहीं दे सकते. Gandhi answered that he was no outsider. Gandhi ने कहा, मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ. अपनी बात उन्होंने रख दी. और इसके बाद गांधी जी आ गए उन्होंने किसी तरह की तीव्र प्रतिक्रिया या भीड़ को इकट्ठा करना या आंदोलन आंदोलित हो जाना यह कुछ नहीं किया बात सुनी और अपना उत्तर दे दिया कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द डिवीजन इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑन मतलब जाना आई कॉल्ड ऑन द कलेक्टर ऑफ रायपुर मैं रायपुर के कलेक्टर के पास गया था आई कॉल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल कॉल ऑन मतलब मिलना जाना नहीं मिलना मिलने के लिए जाना सो ही कॉल्ड ऑन होम द कमिश्नर कमिश्नर के पास गए कहा के कमिश्नर जो तिरहुत डिवीजन था जिसके अंतर्गत चंपारण जिला आता था डिवीजन मतलब क्या होता मंडल और एक मंडल में कुछ जिले रहते हैं तो कुछ जिलों को मिलाकर एक मंडल बनता है और एक मंडलाधिकारी होता है जिसे कमिश्नर कहते हैं तो कमिश्नर के पास गए किस कमिश्नर के पास तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर के पास और क्यों तिरहुत क्योंकि चंपारण जिला तिरहुत के अंतर्गत आता था द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट अब गांधी लुई फिशर को बता रहे हैं ऑथर को बता रहे हैं इसीलिए इन्वर्टेड कॉम है में फिर से गांधी के ही शब्दों में द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी कमिश्नर मुझे परेशान करने लगा बुली करना मतलब परेशान करने लगा कमिश्नर प्रोसीडेड टू प्रोसीड मतलब बढ़ना टू प्रोसीड मतलब आगे कुछ करना तो कमिश्नर ने क्या किया उनको परेशान किया एंड एडवाइस मी फोर्थ विथ मतलब यहां से चले जाओ कहा जाओ लीव तिरहुत तिरहुत कमिश्नरी के बाहर चले जाओ एक तरीके से धमकी दी उनको एक तरीके से धमकी देते हुए उसने कहा जब गांधी उसके पास गए और उससे समस्या जानने की कोशिश की वेंट गांधी वेंट टू कमिश्नर एंड ट्राई टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट द कमिश्नर रिप्लाइड सॉरी डू नॉट ट्रबल मी आई विल आई है थ्रेटन बिम परेशान किया धमकी दी एंड एडवाइज और समझाइश दी कि गांधी महोदय बेहतर होगा आप यहां से तुरंत तिरहुत डिविजन के बाहर चले जाए एक तरीके का आदेश था कमिश्नर कुछ बोले तो आदेश ही था फोर्थ विथ मतलब तुरंत क्षण के बाद तुरंत आप बाहर चले जाए आई डो नॉट वॉन्ट टू सी यू फोर्थ विथ इसके आगे तुमको नहीं देखना चाहता तो ऐसा ही कुछ तिरहुत के कमिश्नर ने कहा कि प्लीज गो आउटीजन इमीजिएटली लेकिन गांधी जी ने यहाँ दूसरे तरीके से व्यवहार किया ही वॉज ऑर्डर टू लीव तिरहुत डिविजन चंपारण की तो बात दूर, वो पूरे मंडल से बाहर जाइए गांधी से डिड नॉट लीव तिरहुत इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी तिरहुत के बदले जहां वो कमिश्नर से मिलने आए थे ये जवाब चुनने के बाद इंस्टेड के बदले इंस्टेड मतलब के बदले ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी इसके बदले छोड़ने के बदले मंडल को छोड़ने के बदले वो मोतिहारी चले गए गए मोतिहारी क्योंकि मोतिहारी जो था वो चंपारण जिले का आ, की एक तरीके से राजधानी थी उसका मुख्य शहर था तो चंपारण तो और छोटी जगह थी मोतिहारी के अंतर्गत आता था वो और ये सब तिरहुत के अंतर्गत आते थे तो अब ये गांधी चले कहा मोतिहारी मतलब साथ चलना बहुत सारे लॉयर उनके साथ चले बहुत सारे लॉयर्स उनके साथ आपको याद होगा पूर्व में गांधी ने लॉयर्स को कहा था कि आप लोग इन परेशान किसानों से पैसा क्यों लेते हैं इन परेशान किसानों के मामले कोर्ट क्यों ले जाते हैं ताकि आपकी वकालत चले आप भी इनसे पैसा लूटें और इससे कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा अब ये लॉयर्स थोड़े बदलते हैं उनको थोड़ी समझ आती है गांधी का इशारा समझ जाते हैं और एक अच्छी संख्या में गांधी के साथ मोतिहारी चले बहुत सारे लॉयर्स एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड हिम ग्रीट करना मतलब स्वागत करना मल्टीट्यूड मतलब भीड़ रेलवे स्टेशन पर वास्ट मने विशाल वास्ट मन विशाल ही हैज वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन अमेरिका अमेरिका में रहने का उसका बड़ा विशाल अनुभव है बहुत विशाल वास्ट ही वास्ट नॉलेज ऑफ फिजिक्स उसके पास फिजिक्स का विशाल ज्ञान है तो यहाँ वास्ट मल्टीट्यूड बहुत बड़ी भीड़ उनको रेलवे स्टेशन में स्वागत करने के लिए आई मोतिहारी में ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज क्वार्टर कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन वो एक घर गए जिसे उन्होंने अपना मुख्य कार्यालय बनाया और वहां अपनी खोजबीन जारी रखी इन्वेस्टिगेशन मतलब खोजबीन सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का फुल फॉर्म है इन्वेस्टिगेशन मतलब खोजबीन खोजबीन करने वाली केंद्रीय संस्था कहलाती है सीबीआई तो यहां गांधी अपनी खोजबीन जारी रखते हैं किस बात की खोजबीन सच्चाइयों की खोजबीन समस्या की ता में जाने की कोशिश करते हैं लगातार और वही उन्होंने मोतिहारी में भी किया जब एक मकान को एक कार्यालय बना लिया ए रिपोर्ट केम इन दैट ए इन है नियर बाय विलेज इस बीच एक रिपोर्ट आई कि एक किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है पास के एक गांव में जब गांधी मोतिहारी में थे तो एक खबर पहुंची मैल ट्रीट मतलब दुर्व्यवहार होना ट्रीट करना मतलब व्यवहार करना मैल ट्रीट मतलब बुरा व्यवहार करना कि एक किसान के पास के साथ नियर बाय विलेज में पास के एक गांव में दुर्व्यवहार हुआ है ऐसी रिपोर्ट आई मैल ट्रीटिंग बुरे तरीके से किसी के साथ व्यवहार वी मस्ट नॉट मैल ट्रीट विथ पीपल डूंग मैनुअल वर्क मैन्युअल वर्क अर्थात हाथ से जो लोग काम करते हैं झाड़ू पोछा नाले की सफाई सड़क की सफाई मजदूर इन लोगों के साथ हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए वी मस्ट नॉट इल ट्रीट वी मस्ट नॉट मैल ट्रीट द डाउन ट्रॉडन कमजोर वर्ग के साथ हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए तो so, यहाँ पे उनको एक खबर आई कि एक मैल ट्रीट हुआ है एक किसान के साथ गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी गांधी ने कहा जा, जा, मैं खुद जाके देखूंगा कि सच्चाई क्या है इस रिपोर्ट में ही डिसाइडेड टू गो एंड सी वो हवा में नहीं काम करते थे सुने हुए बातों पे विश्वास करने का उनकी आदत नहीं थी पूरी तरह से वो छानबीन करते थे खोज करते थे सच्चाई की तह पे जाते थे और फिर निष्कर्ष पे आते थे ही डिड द सेम थिंग हियर ही वेंट एंड पर्सनली सॉ नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट वहां जाने के लिए अगली सुबह वो एक हाथी की पीठ पर बैठे अब हाथी से यात्रा कर रहे हैं क्योंकि कोई पक्की सड़क या वाहन तो थे नहीं सो ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार फार मैने दूर प्रोसीड मैंने आगे बढ़ना प्रोसीडिंग डू नॉट प्रोसीड बियॉन्ड दिस लाइन इस पंक्ति के इस लाइन के आगे मत बढ़ो डू नॉट प्रोसीड फर्दर अब आगे मत बढ़ो तो बिफोर गांधी कुड प्रोसीड फार इससे पहले की गांधी आगे बढ़ते थोड़ा ज्यादा दूर जाते पहुंचते अर्थात ज्यादा दूर पहुंचने के पहले ही वेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट मैसेजर ओवर टूक हिम एस पी जो थे वहां के उनका जो मैसेंजर था खबर देने वाला जो खबर लेन देन का काम करता था ही ओवर टुक हिम उनके आगे आ गया टू ओवरटेक मेरी गाड़ी ने तुम्हारी गाड़ी को ओवरटेक किया मोटरसाइकिल वाले ने मुझे ओवरटेक किया था द मोटरसाइकिल हैड ओवर टेकन मी तो ओवरटुक ओवरटेकन टू ओवर का मतलब अलग होता है टेक का मतलब अलग होता है लेकिन दोनों शब्द को जोड़ें तो ओवरटेक मतलब किसी के आगे आ जाना सामने ऊपर आ, आ जाना मैसेंजर ओवर हिम कहा मोतिहारी से थोड़ी दूर ही चले थे वो गांव के लिए हाथी में और इनका मैसेंजर आ गया पुलिस का एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू द टाउन इन हिस्स कैरिज इन हिस्स कैरिज और उनको आदेश दिया कि वापस चलिए और किस में मेरे कैरिज में हाथी से उतरिए मेरी गाड़ी में बैठिए और मैं आपको वापस गांव छोड़ूंगा वापस जहाँ से आप आए हैं वहाँ छोड़ूंगा अर्थात आगे जाना मना है ये सरकारी आदेश है पुलिस के साहब का आदेश है गांधी कंप्लाइड कंप्लाई गंप्लाइ मने आदेश मानना कंप्लायंस इन ऑर्डर टू कंप्लाई योर इंस्ट्रक्शन आई दिस तुम्हारे आदेश को मानने के लिए मैंने ये किया है तुमने आदेश दिया था इसलिए मैंने ये किया सो गांधी कंप्लाइड गांधी जी ने आदेश मान लिया क्या आदेश कि हाथी से उतरो मेरी गाड़ी में बैठो और वापस चलो ये आदेश गांधी ने चुपचाप स्वीकार कर लिया आपको भी लग रहा होगा ये कैसा विरोध वहां कमिश्नर ने कुछ कहा चुपचाप आ गए यहां उसने कहा तो चुपचाप आ गए यहां भी अब पुलिस सुप्रिंटेंडेंट बोल रहा है बैठो गाड़ी में और चलो वापस और गांधी जी तैयार

और उसमें क्या थी सूचना वो भी ऑफिशियल नोटिस सरकारी नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली कि चंपारण तुरंत छोड़ के जाए ये आदेश सुपरिंटेंडेंट से था यह नोटिस उसने वहां हाथी में बैठे हुए गांधी को नहीं दिया पहले गांधी का आदेश दिया उतरिए हमारी गाड़ी में बैठिए वापस चलिए एस का आदेश वापस आ गया जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं नोटिस सर्व टू हिम घर में उनको दिया गया पुलिस मैसेंजर के द्वारा कि आप चंपारण तुलन छोड़े गांधी साइंड ए रिसीट फॉर द नोटिस रिसीट की स्पेलिंग देखिए आर ई सी ई आई पी टी पी साइलेंट है यहां रिसीट मतलब रसीद और रिसीव मतलब पाना उसी से बना है रिसीट जो चीज पाई जाती है किसी की एवज में उसे रिसीट कहते हैं रसीद कहते हैं तो गांधी गॉट ए रिसीट साइंड रिसीट गांधी ने उसकी पावती पर दस्तखत किया अर्थात उन्होंने एक्नॉलेज किया उन्होंने लिखित में स्वीकार किया कि मुझे यह नोटिस मिला है मना नहीं किया विरोध नहीं किया मैं नोटिस पे क्यों दस्तखत करूं ऐसा नहीं कहा आजकल जब चालान मिल होता है गाड़ी का और ट्रैफिक इंस्पेक्टर गलत चलाने पर चालान करता है और कहता रसीद में दस्खत करो तो हम लोग नहीं करते प्रतिरोध करते हैं कई बार क्योंकि ये सोचते हैं कि चालान में दस्खत ना करने से हम बच निकलेंगे ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है जहां गांधी ने बहुत एक अच्छा उदाहरण पेश किया वो बेचारा मैसेंजर तो अपनी ड्यूटी कर रहा था उसको जैसा आदेश था उसने गांधी को कहा गांधी जी मान गए उसने कहा इसमें दस्तखत कर दीजिए नोटिस के कॉपी पर गांधी जी दस्खत कर दिए एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिस ओबे ही नहीं रोड ऑन इट उन्होंने उसको ऊपर लिखा क्या लिखा ही वुड डिस ओबे मतलब डिस करना आदेश की आदेश ना मानना उन्होंने उस रसीद पर लिख दिया मैं आपका आदेश नहीं मानूंगा आदेश क्या था चंपारण छोड़ने का गांधी चाहते तो लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन गांधी ने कहा कि नहीं मैं आगे क्या करूंगा इसकी जानकारी सरकार को रहे एस को रहे तो उन्होंने लिख के भी दे दिया लिख भी दिया उसमें कि मैं आपके आदेश की अवहेलना करता हूं अवज्ञा करता हूं आपके आदेश को नहीं मानता टू डिस और टू ओबे मतलब मानना आई योर ऑर्डर ही हैज डिस माई इंस्ट्रक्शन इन कॉन्सिक्वेंस परिणाम स्वरूप क्या होता है कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप क्या होता है गांधी रिसीव्ड ए समन्स देखिए समन्स बहुवचन नहीं है एक वचन है ए समन्स ए समन्स मतलब कोर्ट का आदेश कोर्ट आने का आदेश और ये किसके द्वारा दिया जाता है कोर्ट के द्वारा दिया जाता है और इस आदेश को तो मानना ही पड़ता है नहीं मानेंगे तो गिरफ्तार होंगे और जेल जाएंगे तो गांधी को कोर्ट का आदेश मिलता है टू अपियर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे कोर्ट में अगले दिन हाजिर होए ये समन क्यों मिला क्योंकि गांधी ने जो रिसीट ली थी और उसकी पावती जो दी थी सुपरिंटेंडेंट को उसमें उन्होंने लिख दिया था मैं आपका आदेश नहीं मानता और आदेश क्या था जिला छोड़ने का तो इस आदेश की अवहेलना की सूचना पुलिस ने कोर्ट को दी और कोर्ट ने फिर इनको बुलाया अगले दिन आप हाजिर होश होइए कोर्ट में गांधी so, का बिहेवियर यहाँ सोचने की बात है किसी भी चीज की वो कब प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं हिंसात्मक तरीके से या चिल्लाना बरगलाना गुस्सा दिखाना भीड़ को भड़काना कुछ भी नहीं कर रहे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से आदेशों का पालन या आदेशों की अवहेलना करना